लोक निर्माण विभाग मंडल हमीरपुर में चल रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग हमीरपुर ने बिना टेंडर करवाए कई कार्यों को शुरू करवा दिया और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया। युवा कांग्रेस ने RTI लेकर लोक निर्माण विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जाँच की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जाँच नहीं की गई तो SC लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। युवा कांग्रेस हमीरपुर के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने बताया कि 23 जून 2021 को एक सूचना के अधिकार के तहत SC कार्यालय के प्रांगण में जो पत्थर और बजरी का डंगा डाला गया था उसके 11 बिंदुओं की जानकारी मांगी गई थी, परंतु लोक निर्माण विभाग मंडल हमीरपुर ने आधी अधूरी और झूठी जानकारी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी है, जिसमें बताया गया है कि जो काम पहले करवाया गया था उसका टेंडर बाद में लगाया गया है और शेष काम का टेंडर पहले ही लगा दिया गया है। युवा कांग्रेस एवं युवा इंटक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और दोषियों को निलंबित करने की गुहार लगाई है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो युवा कांग्रेस और युवा इंटक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठेगी। विभाग में जो धांधली हो रही है, हमने जो 15 जून को DC साहब को भी सबसे पहले इसके बारे में ज्ञात करवाया था कि हमीरपुर जो लोक निर्माण विभाग में इसमें चरम सीमा पर धांधली हो रही है, और हमने जब RTI डाली और हमने एक्शन साहब को बोला, और जब RTI डालने के बाद हमें पता चला कि जो एक्शन साहब का ऑफिस है उसके नीचे जो एक डंगा लगा हुआ है उसमें जो SC साहब के जो ऑफिस है उसके नीचे जो डंगा लग रहा है और उसकी RTI हमने 23 जून को डाली थी, तो उसका हमें रिप्लाई आया कि 22 जून, 2 महीने बाद तो पहले रिप्लाई आया हमें। जब हम अपील में गए SC साहब के पास तब हमें इसके रिप्लाई आया जिसमें कि 22 जून को सीमेंट इशू हुआ 235 बैग और 3 अगस्त को 305 बैग जो इशू हुए अपना जो कम वहाँ पर डंगा लग रहा है, तो उस डंगे का काम जो 2 महीने पहले ही हो चुका है। जो ये करंट फोटो है 22 जिस दिन हमने RTI डाली थी 22 जून को और नहीं सॉरी 23 जून को उस दिन का ये फोटो है, और ये जो है लेटेस्ट फोटो ये है, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि किस सीमा पर हमीरपुर में जो लोक निर्माण विभाग है जो पहले काम करवाया जा रहा है उसके बाद जो टेंडर की प्रक्रिया हो रही है, अपने जो BJP के चहेते हैं उनको काम दिए जा रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी रहेगी अब यूथ कांग्रेस की? अब यूथ कांग्रेस जो है अगर नहीं अपने बिजलेस की भी मांग की थी पहले DC साहब से भी हम मिले थे तो उन्होंने बोला था कि हम इस मुद्दे पे बात करते हैं, तो आज तक ना DC साहब का कोई एक्शन हुआ इनके ऊपर कोई कार्रवाई की हम अमल में लाएगी, और हमने जो ये स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं नीचे अपने बस स्टैंड के साथ जो लगे हुए हैं उसकी भी हमने CM हेल्पलाइन पे कई बार इनको रिप्लाई दे चुके हैं कि ये जो काम है जो लाख डेढ़ लाख का काम होना था उसको 4.5 लाख में किया गया जो कि कुछ समय बाद ही उखड़ गए हैं, तो उनको भी रिप्लेस ना किया गया। युवा कांग्रेस अब अगर नहीं DC साहब या विजिलेंस इंक्वायरी होती है तो हम जो है सड़कों पर उतरने पर गुरेज नहीं करेंगे। SC साहब का जो कम ऑफिस है वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे।